Hi, this is Rajshree Thakur and you're watching Movie TV. हाल ही में मैंने अपनापन शो किया सोनी टीवी पर. हालांकि बहुत ही कम जर्नी रही उस शो की, पर आज भी मुझे मतलब लोग पूछते हैं कि अभी भी पूछते हैं कि नेक्स्ट सीज़न आएगा, क्योंकि कहानी थोड़ी लोगों को लगता है कि अधूरी कहीं छूट गई, तो ये पूरी होनी चाहिए. तो यही प्यार है लोगों का कि लोग दूसरे सीज़न के लिए वेट कर रहे हैं और खुद पूछ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि दैट्स द सक्सेस ऑफ द शो. दो इट वॉज फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड. हर एक कैरेक्टर, जैसे मेरा कैरेक्टर था पल्लवी का, तो लोगों को वो पल्लवी बहुत पसंद आई. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस एंड द क्रिएटर ऑफ द शो. रियलिटी शोज़ तो आज तक बहुत किए हैं, पर इतना मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती रियलिटी शोज़ को देखकर, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है. तो मुझे सुकून से काम करना बहुत अच्छा लगता है. वेब सीरीज़ करना चाहती हूँ. हालांकि एक वेब सीरीज़ आने वाली थी, पर आई थिंक दैट प्रोजेक्ट शेल्व्ड, सो गॉट शेल्व्ड. सो इसके लिए लेकिन वेब सीरीज़ में जो जिस तरह से सब्जेक्ट हैंडल किए जाते हैं या जो रियल कैरेक्टर्स लगते हैं, तो वो काफ़ी अलग हैं टीवी सीरियल से. तो कुछ अलग करना चाहूँगी वेब सीरीज़. ऑब्वियसली आई वुड लव टू डू वेब सीरीज़. मैंने एक्चुअली ट्रेलर ही देखा दो दिन पहले, और एक्साइटमेंट मेरी बढ़ गई इसलिए क्योंकि जो स्टार कास्ट है उस वजह से, क्योंकि हिस्टोरिकल कई शोज़ आके गए हैं, जैसे टेलीविज़न पे भी आके गए हैं, डिजिटल में भी आके गए, लेकिन ये कास्टिंग बहुत रेयर दिखाई दी है. और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं. ख़ास तौर से मैं खुद एक हिस्ट्री फ़ैन हूँ, तो मुझे हिस्टोरिकल शोज़ वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत कम शोज़ होते हैं जो ऑथेंटिक बनते हैं या जो जेन्युइन लगते हैं हमें. मसाला थोड़ा कम होता है, बट आई थिंक द परफॉर्मेंसेज ऑफ दिस ऑल दिस एक्टर्स, मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इतने बढ़िया एक्टर्स इसमें हैं, तो वो ट्रेलर देख के ही ऐसा लगता है कि कब ये शो शुरू हो और मैं देखना चालू कर दूँ. जी ट्रेलर देख के तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमने मुगले आज़म देखी है, हिस्टोरिकल जो फिल्म है, और इट्स अ माइलस्टोन इन आर इंडियन सिनेमा. पर मुझे लगता है कि ये कोई कॉपी नहीं है, मुझे बहुत ही अलग होगा ट्रेलर देख के तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपियरेंस और जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया है एज़ पर द ट्रेलर, तो मुझे लगता है ये अलग होगा. इट इज़ नॉट अ टिपिकल जो रिपीटेटिव होता आ रहा है हमारे सिनेमा में. तो मुझे लगता है कि कैरेक्टर भले ही वही है, पर उसका कैरेक्टराइजेशन अलग है, ये रिपीटेटिव नहीं होगा. कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग मी.